चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो साथियों, आपने देख लिया होगा, हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं कि अगर कोई जुल्म करे तो आप अपने लिए, हम कहते हैं हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। विकास बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब घर में आग लग जाती है लोग विकास नहीं बाल्टी लेके दौड़ते हैं। जब भाईचारा मजबूत होगा तो विकास के लिए तो हम बैठे ही हैं। आप बताते जाना, हम करते जाएंगे। आज भाईचारा सम्मेलन में हमारे आए हुए किसान नेता, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रमोद त्यागी जी, एवं सर श्री विधायक श्री प्रसन्न जी, चंदन जी, गुलाम मोहम्मद जी, राजपाल जी, अनिल जी, अशरफ जी, एवं हमारे बड़े भाई सांसद रहे हरेंद्र जी व सैनी जी, वे हमारे साथ रहे भाई योगराज जी, वारिस जी, दिलनवाज जी, राकेश शर्मा जी, हमारी पार्टी के महासचिव रहे त्रिलोक त्यागी जी, केपी सिंह जी, प्रबोध कुमार जी, राजेंद्र शर्मा जी, हमारे जिला संगठन के संदीप जी, अजीत जी, संजय राठी जी, वे हमारे आजाद समाज पार्टी के मुख्य चुनाव प्रभारी रहे नीतू सिंह जी, पश्चिमी प्रदेश के प्रभारी कपिल आजाद जी, प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य दीपक राणा जी, मंडल उपाध्यक्ष सहारनपुर राजकुमार सैनी जी, रजत निठारिया जी, जगदीश पाल जी, जिलाध्यक्ष रहे दिनेश कुमार जी, हरिमोहन जी और नरेश प्रधान जी। साथियों, सबसे पहले तो धन्यवाद खतौली, मैं परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि खतौली और जिला मुजफ्फरनगर मेरा घर है और घर रहेगा। अभी हमारे बड़े भाई हरेंद्र जी कह रहे थे खतौली के लोगों के लिए, तो साथियों आपने देख लिया होगा, हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं। चुनाव जीतने के बाद आए, बेशक रोका लेकिन आए, आज भाईचारे में आए, क्योंकि हमें चौधरी चरण सिंह जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहियानी जी ने सिखाया है कि अगर कोई जुल्म करे तो आप अपने लिए, हम कहते हैं हम मारेंगे नहीं
लेकिन मानेंगे भी नहीं। गलत बात कभी नहीं मानेंगे, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो। साथियों, आपके बीच अगर ये भंगेला ना रोकते तो अब तक लगभग पूरे क्षेत्र में हम जो है कवर कर लेते। पर चलिए, अब शपथ ग्रहण के बाद आपके एक एक गांव में आएंगे, एक एक कस्बे में आएंगे। आपकी समस्याओं को जानेंगे और आपसे एक सहयोग भी चाहेंगे। हम तो करेंगे विकास के लिए और माहौल बदलने के लिए, जैसे आपने अब सहयोग दिया है, भविष्य में भी आपका सहयोग मिलेगा, ये मेरी अपेक्षा है। साथियों, बातें बहुत हैं, फिर कहेंगे, लेकिन एक बात कह के जा रहे हैं, भाईचारे का उद्देश्य क्या है? भाईचारे का उद्देश्य आज से सैकड़ों साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। हम यही हमारा भाईचारा है, यही भाईचारा हमें सिखाता है। और भाईचारे की तरफ लोग लौट रहे हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो जातियों का संगम हो रहा है, जो जातियां भटक गई थी, भावनाओं में बह गई थी, वो जातियां चाहे वो गुजर हो चाहे वो दलित समाज हो चाहे वो त्यागी समाज हो, यहां तक कि रवा राजपूत और ठाकुर समाज भी क्यों ना हो, लौटा है कश्यप समाज, लौटा है सर समाज, लौट रहा है। क्योंकि साथियों, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, विकास बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब घर में आग लग जाती है, लोग विकास नहीं बाल्टी लेके दौड़ते हैं नहीं किस आग को बुझाएं, यह आग बुझने दे, बुझ चुकी है, लेकिन अभी चिंगारी दब रही है राख में, ध्यान रखना। इस चिंगारी को सुलगने नहीं देना है और भाईचारे को पुनः बहुत मजबूत करना है। जब भाईचारा मजबूत होगा तो विकास के लिए तो हम बैठे ही हैं, आप बताते जाना, हम करते जाएंगे। पुनः आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद खतौली, धन्यवाद।